घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश दिया उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हो रही है, नेम प्लेट को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा और उचित दिशा निर्देश देगा कि जो लोग संविधान के शपथ लेकर सरकार में आते हैं वो संविधान की मूल भावना का आदर करेंगे। मैं सबसे कह रहा हूँ, आप पत्रकार साथियों से विशेष रूप से जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले तो बोलिएगा कि राजीव राय ने आपको कुछ सेहत अच्छी और लंबी उम्र की दुआएं दी है, लेकिन अगर भगवान न करे कभी आपके आपके परिवार वालों को खून की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ भी नाम पूछकर खून लेंगे। डॉक्टर के नाम पूछते हैं, बेटी बहनों की शादी हम तो पूर्वांचल चाहते हैं, मेरे मुँह में तो बुनकरों का हुआ है, साड़ियाँ सुहाग की साड़ियाँ तो उन्हीं के बनते होते हैं उसको भी बंद कर दो, बैठो तो भी मत जाओ कि भाई हम मुसलमानों के कंधे पर बैठ कर भगवान के यहाँ क्यों जाएंगे, नहीं जाना, अमरनाथ में नहीं जाएंगे, हम नहीं खाएंगे पिएंगे। देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, नौजवानों के सामने बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अपराध, बढ़ते हुए विदेशी कर्ज, भूखमरी, किसानों की आत्महत्याएं, उन मुद्दों पर बात न करके ये बेशर्म सरकार बार बार हारने के बावजूद जब पतन होने शुरुआत हो जाती है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है तो क्या समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाने जा रही है? निश्चित रूप से सारी पार्टियां उठाएंगी इस मुद्दे को, सुप्रीम कोर्ट में भी गया है और देखते हैं बजट में क्या आता है। उससे उम्मीद तो है नहीं, किसी को 15 लाख रुपए नहीं मिले, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, विदेशों से काला धन नहीं आया, विदेशी कर्जे बढ़ते गए, तो जो जो इन्होंने कहा था सब उल्टा किया है। इन सब उम्मीद तो रही नहीं, बैसाखियों वाली सरकार है, इनकी बैसाखी कितने दिन चलती है, इनको सहारा देती है, देखने वाली बात है। तो बीजेपी की तरफ से लगातार इस मसले पर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो सकता था, इसी वजह से ये फैसला लिया कि कानून व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से उत्तर प्रदेश में। माहौल खराब करने वाले तो बीजेपी में सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इनके आपराधिक इतिहास को देख लीजिए, राजीव राय को मत बात मानिए, इनके ADR की रिपोर्ट मंगा लीजिए, इनके कारनामे तो सब जानते हैं ना। ये भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक लड़ाई है उससे ध्यान भटकाने का भी एक प्रयास है। जो कुर्सी उत्तर प्रदेश में डावाडोल हो रही है और कुछ दो बड़े बोले लोग गिद्ध दृष्टि लगाए हैं, ये इन सब की अंतरकला से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अगर ये नहीं होते तो आप बात करते कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री मिलेंगे, कुर्सी मिलेगी कि स्टूल मिलेगी, पूछते ना फिर अगली मीटिंग कहाँ है। तो इन सब बातों से ध्यान हटकाने के लिए ये है, लेकिन देश के नौजवान, गरीब, किसान, बेरोजगार, महंगाई से जूझ रही हमारी माताएं बहनें इन सारी बातों को समझती हैं और आने वाले चुनाव में इनको वहां से बेदखल करेगी। सर, एक आखिरी सवाल है कि RSS की गतिविधि में अब केंद्रीय कर्मचारी हिस्सा ले सकेंगे, 1966 में बैन लगाया गया था सरकार द्वारा लेकिन इसको हटा दिया गया है। जो छुप के करते थे, अब चाहे जुडिशरी देखो, ब्यूरोक्रेसी देखो, एकेडमीसिया देखो, जहां भी देखो इन्होंने अपने लोगों को प्लांट कर दिया है। जब छुप के करते थे अब बेशर्मी के साथ करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। वो करें, जितना ये करेंगे उतना देश के लोग देखेंगे इनका तमाशा को और देश के लोग ही जवाब देंगे। तो आपको लगता है कि जो बैन लगाया गया था सरकारी कर्मचारियों को लेकर वो बैन फिर से लगा रहना चाहिए, सरकार को इसको लागू नहीं करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े स्टेट्समैन तो मोदी जी बन नहीं सकते, किसी जन्म में नहीं बन सकते, तब तो नहीं हुआ विचार, ये कुछ तो सोची होगी, इनके भी 2 कार्यकाल में नहीं हुआ। जब ये बैसाखी पर आ गए हैं तो तमाम तरह के इनके पास जवाब नहीं उन मुद्दों का, जिन बातों को कहकर सरकार में आए थे, तो लगातार ये ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं फिर वही कहूँगा कि जो आज खुलकर कर रहे हैं पहले से करते आए हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाने जा रही है और लगातार ये विवाद नेम प्लेट का बढ़ता ही जा रहा है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।